हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आपको सामने दीवार दिख रही है और ये दीवार में एक प्लांट आपको दिख रहा है लगा हुआ। आप देखते होंगे अक्सर दीवारों में कई बार प्लांट्स निकल आते हैं, तो उनका अगर सीड वहाँ पर होता है, और ये फ्लावर देखकर अगर आप पहचान रहे हो तो ये मूली का जो प्लांट है उसका फ्लावर है, रेडिश जिसे कहा जाता है। और ये देखिए, ये मूली का जो सीड है वो कहीं यहाँ पर रह गया होगा ये दीवार में किसी तरह से, और वहाँ से फिर ये मूली का जो ये रूट है उसका, मूली का जो कि हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है ये मॉडिफाइड हो जाता है और फूड स्टोरेज का काम करने लगता है। तो ये यहाँ पर ये मूली है और ये निकल के, जाहिर सी बात है ये ऊपर की तरफ, आप देखते हैं आमतौर से सारे प्लांट्स ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसी बारे में कि ये ऊपर की तरफ प्लांट क्यों जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर यहाँ से ये निकला था तो ये इस तरफ सीधे आता, लेकिन ये ऊपर की तरफ आता है। तो ये ऊपर की तरफ जो जाता है प्लांट, ये देखिए, ये वहाँ, ये यहाँ से निकला है नीचे से और ये ऊपर की तरफ गया है। तो ऊपर की तरफ जाता है, इसके पीछे का जो रीज़न होता है वो ये होता है, इसको कहा जाता है जियोट्रॉपिज्म। मतलब ये कि जो ग्रेविटी फोर्स होता है उसको ले करके प्लांट का जो रिस्पांस होता है उसको जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। रूट का जो रिस्पांस होता है जियोट्रॉपिज्म को लेकर वो पॉजिटिव होता है, ग्रेविटी फोर्स को लेकर के वो पॉजिटिव होता है, वो हमेशा ग्रेविटी फोर्स की तरफ जाता है। और जो शूट का रिस्पांस होता है वो ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट होता है। तो ये जो शूट ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, तो इसलिए ये जो ग्रेविटी फोर्स है उसके अगेंस्ट जाएगा। तो ग्रेविटी फोर्स ऐसे बात है नीचे की तरफ लगता है, तो इसीलिए ये ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जाता है। आप किसी प्लांट को अगर गमले में लगाते हैं तो आप देखते हैं कि उसका शूट जो है ऊपर की तरफ जाता है, रूट ऐसे बात है नीचे की तरफ जाता है सॉइल में, लेकिन अगर आप उसी गमले को टेढ़ा कर दें तो धीरे धीरे वो प्लांट भी टेढ़ा होकर के फिर उस वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो उसके पीछे का रीज़न यही होता है, जो जियोट्रॉपिज्म है यही उसके पीछे का रीज़न होता है कि जो शूट होता है वो ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट हमेशा जाता है। तो जब उसके अगेंस्ट जाता है तो इसको नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहा जाता है या नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो इसी वजह से जो शूट होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। इसमें भी देखिए, शूट जो है यहाँ से ये निकला और ये शूट ऊपर की तरफ आया और ये फ्लावर्स निकलते हैं, और फिर फ्लावर्स के बाद इसमें फ्रूट निकलते हैं, जिस तरह से आप सरसों का फ्रूट देखते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर सरसों के बीज होते हैं, उससे मिलता जुलता इसका भी फ्रूट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा उससे ज़्यादा मोटा होता है और इसके सीड जो होते हैं उसके कंपेरिजन में ज़्यादा बड़े होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।